हल्द्वानी में महिला कल्याण परिसर में बने किशोर संप्रेषण गृह यानी कि बाल सुधार केंद्र से तड़के सुबह 7 बच्चे फरार हो गए, जिनमें से 2 बच्चों को पुलिस ने बरामद भी कर लिया। ये 7 बच्चे एक ही कमरे में रखे गए थे जो कि अलग अलग अपराध में बंद थे। सुबह 4 बजे के आसपास ये बच्चे रजाई के कवर की रस्सी बनाकर कमरे की खिड़की में लगे ग्रिल और जाली तोड़कर सीढ़ी के सहारे कूदकर बाल सुधार गृह से भाग निकले। जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन ने बताया कि 2 बच्चे बरामद हो चुके हैं। उनका कहना है कि ड्यूटी में तैनात चौकीदारों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आगे इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के मद्देनजर अलार्म सहित कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर चेकिंग अभियान चला रही है, साथ ही पुलिस का मुखबिर तंत्र भी सक्रिय हो गया है। व्योमा जैन ने बताया कि बाल सुधार केंद्र में कुल 13 बच्चे रखे गए थे। संगीन आपराधिक वारदातों में निरुद्ध 6 बच्चों को प्रथम तल में रखा गया था, जबकि चोरी के मामले में बंद इन बच्चों को द्वितीय तल में रखा गया था। ऊपरी हिस्से के बैरक में रहने वाले बच्चे फरार हुए हैं। देखिए, ये जो हमारे संज्ञान में आई है घटना, जैसे हमारे संज्ञान में आई तो हमने सबसे पहले जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर प्रशासन को इन्फॉर्म किया, जिसके क्रम में तत्पर एसएसपी मैडम द्वारा एक्शन लिया गया। एसपी सर, सीओ साहब, एसएसपी मैडम खुद, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, सब ने यहाँ पे आकर निरीक्षण किया मौके पे, और जिसके बदौलत हमें 2 बच्चे अभी तक मिल भी गए हैं वापस, और हम आशा कर रहे हैं कि आज शाम तक बाकी बच्चे भी हमें वापस मिल जाएंगे। मैडम, क्या कारण है, कैसे भागे ये लोग, क्या तरीका अपनाया इन्होंने? ये ऊपर की सेकंड फ्लोर से ग्रिल तोड़ के और चादरों के माध्यम से नीचे उतर के भागे हैं, तो यही माध्यम रहा। अब आगे के लिए क्या टाइटनेस इसमें की जा रही है? आगे ये टाइटनेस रखी जाएगी कि और सतर्क हमारे कर्मचारी भी रहेंगे, और जो एक अलार्म सिस्टम हम लोग ने सोचा है कि बाउंड्री पे अलार्म सिस्टम लगाएंगे, ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हम तुरंत सतर्क हो जाए, साथ ही पुलिस को भी टाइम इन्फॉर्म कर सके। सबका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। सारे हायर अथॉरिटीज को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, तो जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा।